बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी ध्वस्त किया। हिंदी में 200 करोड़ का नया धमाका किया KGF चैप्टर 2 ने। फिल्म KGF चैप्टर 2 हिंदी ने रिलीज के पहले सोमवार यानी रिलीज के 5वें दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था। इसके साथ ही इसने फिल्म बाहुबली 2 हिंदी का सबसे तेज 200 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। फिल्म बाहुबली 2 हिंदी ने 5 साल पहले 7 दिन में 200 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही थी, पर KGF चैप्टर 2 ने रिलीज के बाद से लगातार शानदार कमाई करते हुए 5वें दिन ही ये रिकॉर्ड बनाया। जिस रफ्तार से इस बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चल रही है, लगता है कि यह और भी नए नए रिकॉर्ड तोड़ेगी। थार लव एंड थंडर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। लव एंड थंडर रंगनारोक की तुलना में ज़्यादा भावनात्मक फिल्म होगी। मार्वल स्टूडियोज ने आखिरकार थार लव एंड थंडर का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थार का चौथा पार्ट होगा। इस फिल्म में क्रिस हेम्सफोर्थ थार ऑफ थंडर के रूप में वापसी कर रहे हैं। मार्वल की इस फिल्म से क्रिस एंड निर्देशक टाइका वेट्टी की जोड़ी बड़े पर्दे पर वापसी करती दिखेगी। सोमवार को लॉन्च हुए ट्रेलर से साफ है कि कुछ मल्टी स्टारर फिल्मों के बाद थार का किरदार एक बार फिर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की स्टार कास्ट के साथ फिल्म में नजर आएगा। थर्ड इस फिल्म बाहुबली से लार्जर देन लाइफ वाली इमेज बनाने वाले तेलुगु सुपरस्टार प्रभास की हालिया रिलीज हुई रोमांटिक फिल्म राधे श्याम बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली। ऑडियंस को भी प्रभास की इस फिल्म से निराशा ही हाथ लगी। एक ऐसे दौर में जबकि साउथ की फिल्में जैसे पुष्पा, ट्रिपल आर, KGF 2, पैन इंडिया में धमाल मचा रही हैं, तो आखिर राधे श्याम क्यों कमाल नहीं दिखा सकी, इस बारे में सुपरस्टार प्रभास ने खुद की बात। प्रभास की इससे पहले रिलीज हुई फिल्म साहो को भी ऑडियंस और क्रिटिक्स का मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था। रिपोर्टों की माने तो राधे श्याम में वे ऑडियंस से नहीं जुड़ पाए। प्रभास ने कहा, SS राजामौली की बाहुबली के जरिए मुझे लार्जर देन लाइफ इमेज दी है। शायद कुछ लोग मुझे केवल उसी रोल में देखना चाहते हैं। मुझे अभी भी भरोसा है कि शायद जब TV पर लोग राधे श्याम को परिवार के साथ देखेंगे तो पसंद करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद लोग TV और OTT पर काफ़ी कुछ देख रहे हैं। फोर्थ इज एक्सक्लूसिव KGF 2 की सफलता के बाद संजय दत्त ने इस तासु डायरेक्टर के साथ मिलाया हाथ। बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म KGF 2 की सफलता को एंजॉय कर रहे हैं। KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर हिंदी बेल्ट के साथ साथ सभी भाषाओं में रिलीज की गई है। ये फिल्म पहले वीकेंड में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने हिंदी बेल्ट में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संजय दत्त और यश की KGF चैप्टर 2 ने RRR और बाहुबली 2 के बाद पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है। ऐसे में बॉलीवुड लाइफ को दिए गए इंटरव्यू में संजय दत्त ने उनकी अगली फिल्म मशहूर डायरेक्टर संजय गुप्ता के साथ होगी। फिफ्थ इज KGF चैप्टर 2 ने आते ही गदर काट दिया। रिलीज से पहले उनके एडवांस टिकट बुकिंग आधी से ज़्यादा कमाई कर ली और उसने बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली और RRR का रिकॉर्ड भी तोड़ा। फिल्म में पहले चैप्टर के आगे की कहानी दिखाई गई है। जिन कैरेक्टर्स का जिक्र पहले पार्ट में KGF में किया गया था, उनको चैप्टर 2 में स्क्रीन पर बखूबी दर्शाया गया है। इसमें हालांकि दो किरदार अहम हैं, एक तो प्रधानमंत्री रमिका सेन का और दूसरा गरुणा के भाई अधीरा का। अब ये दोनों यश के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए तो लोगों की खुशी के मारे चीख निकल गई। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से साउथ की फिल्में बॉलीवुड पर भारी पड़ रही हैं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा, जूनियर NTR रामचरण की RRR और अब यश की ये KGF चैप्टर 2। खैर, इसकी वजह क्या है, खुद संजय दत्त ने एक कैंडिडेट इंटरव्यू में बताया था। संजय दत्त ने बातचीत करते हुए पूछा गया कि वह KGF चैप्टर 2 में कैसे जुड़े,
तो एक्टर ने कहा कि जीएफ चैप्टर 1 में अधीरा का सिर्फ एक हेडशॉट था, वह एक परछाई से शूट कर लिया गया था। फिर दूसरे चैप्टर के लिए मेकर्स ने मुझे लेने के लिए फैमिली फ्रेंड से संपर्क किया। उस दोस्त ने मेरी पत्नी से कॉन्टेक्ट किया। मेरी पत्नी ने केजीएफ चैप्टर 1 पहले देखी, फिर उसने मुझे बताया कि कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे करना चाहिए। फिर मैंने भी